चैनल स्कोर बोर्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी। आज मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी को याद करने की और कैसे उसे याद रखें जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए देखते हैं। पहले हम बैलेंस शीट में ये कॉलम बनाते हैं पर्टिकुलर्स का, मतलब ये जो बैलेंस शीट है एक साइड हमारी एसेट होती है और एक साइड लाइबिलिटी, यानी कि पहले हम एसेट लिखते हैं इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ये पहला कॉलम है, और जो हमने इधर एसेट का कॉलम बनाया ये इसके नीचे आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्हें याद रखें जिससे ये सब आपकी टिप्स पे रहे। देखिए पहला पॉइंट है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में तीन चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप बस इसके पहले पहले वर्ड याद कर लें SRM, यानी कि शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें हैं, शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, यानी कि इसमें तीन चीजें हैं, तो इसे SRM के नाम से याद रखेंगे। दूसरा है हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये दूसरा पॉइंट है, इसके सिर्फ हेडिंग है हमारे सिलेबस में और कुछ नहीं है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड इसके अंदर क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज की याद करने की शॉर्ट ट्रिक है लेडॉल, यानी कि LDOL, सबकी पहली पहली चीज याद करेंगे लेडॉल। अब देखिए पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये जो चीजें हैं सीक्वेंस में याद करनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे याद रखें। पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, थर्ड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड फोर्थ लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये लेडॉल से याद रखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे याद रखें, बाद में बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। फोर्थ है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर चार चीज आती है, देखिए अभी हमने नॉन करंट पढ़ा था उसका था शॉर्ट फॉर्म लेडॉल और इसका है स्टॉस। क्या है स्टॉस, यानी कि STO और S, ये हमें याद रखना है। देखिए स्टॉस में पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर क्या आता है ये मैं बताऊंगा, आप पहले देख लीजिए इसे कैसे याद रखते हैं। दूसरा ट्रेड पेबल, थर्ड अदर करंट लाइबिलिटीज और फोर्थ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब हम देखते हैं एसेट साइड में क्या क्या चीज आती है। एसेट में सबसे पहले एसेट की हेडिंग डालते हैं, ये जो पोर्शन है ये नीचे की साइड आता है, यानी कि सबसे पहले हम बैलेंस शीट को स्टार्ट करने के लिए ऊपर लिखते हैं, यहां पर पहले हम यहां पर कंपनी का नाम लिखेंगे, यानी कि नेम ऑफ द कंपनी, जो भी नेम है कंपनी का वो हम ऊपर की साइड लिखते हैं। उसके बाद दूसरा लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट, यानी यहां पे डेट आती है, जैसे एग्जांपल लेते हैं एज एट 31 मार्च 2016-17, जो भी हमने ली वो डेट ऊपर लिखते हैं। जो भी हम बता रहे थे कि एसेट कॉलम नीचे की साइड आता है, पहले हमने आपको लाइबिलिटीज समझा दी, अब हम आपको एसेट कॉलम समझाते हैं। एसेट कॉलम्स में भी फिक्स एसेट और करंट एसेट और नॉन करंट एसेट आते हैं, दो इस तरीके के एसेट होते हैं करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। पहले फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में चार चीजें हैं हमारी, ये हम आपको ऐसी याद रखना है। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट वो चीजें होती है जो चीजें हम छू सकते हैं, यानी कि हमारा फर्नीचर हुआ या कुछ भी। दूसरा इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट में वो चीजें आती है जो चीजें हम छू नहीं सकते। थर्ड कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, यानी कि जो भी वर्क इन प्रोसेस है वो इसमें आता है। तीसरा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कोई भी इंटेंजिबल एसेट जो चीज हम नहीं छू सकते, जो हम फील नहीं कर सकते उसे इंटेंजिबल एसेट कहते हैं, वो इसके अंदर आती है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जो चीजें अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि हमारा कोई सॉफ्टवेयर हुआ या कुछ और। अब इसमें दूसरा आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये इसे याद करने के लिए हमारा यहां तक जो हम याद रखेंगे NDLO, NDLO हम याद रखेंगे जिससे हमें ये चीज याद रहे, यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, पिछली बार हमने पढ़ा था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अब हम पढ़ रहे हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। डी आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि लोन्स जो चीजें हमने दे रखी है लॉन्ग टर्म, एडवांसेस का मतलब जो लोन हमने दे रखे हैं, जो चीज हमने दे रखी है वो हमारी एसेट है। तीसरा चौथा पॉइंट है नॉन करंट एसेट, यानी कि ये अलग अदर नॉन करंट एसेट में नहीं, जो भी हमारे एसेट हैं कोई से भी एसेट वो सब इसमें आएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि क्या क्या चीजें किसमें आती है जिससे आप उससे इजीली लर्न कर सके। अब है करंट एसेट, करंट एसेट कोई भी एसेट जो हमारे पास 12 मंथ के लिए रहती है सिर्फ, और नॉन करंट एसेट में वो सारी चीजें आती है जो 12 मंथ से ज्यादा के लिए हमारे पास होती है।
अब ए करंट इन्वेस्टमेंट, कोई सा भी इन्वेस्टमेंट जो 12 मंथ से कम के लिए है वो सब करंट इन्वेस्टमेंट में आता है। इन्वेंट्रीज में सारे स्टॉक रॉ मटेरियल जो 12 मंथ से कम के लिए है वो इन्वेंट्रीज में आते हैं। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में जो भी चीजें ट्रेड रिसीवेबल में वो चीजें आती है जो हमें रिसीव करनी है, यानी कि बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि कोई सी भी हुआ अपना, जैसे कि कैश एट बैंक हुआ या कैश एट एंड हुआ, हैंड हुआ, वो सब इसमें आती है। अब है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि कोई भी लोन जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए किसी को दे रखा है वो इसमें आता है। अब एफ है अदर करंट एसेट, कोई भी करंट एसेट जो हमारा बचा हुआ वो इसमें आता है। अब हम देखते हैं इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर कैपिटल, इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जो हमें याद करनी है। सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, अगर आप बुक में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन देखते हैं कि क्या चीजें आती हैं। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट है, शेयर कैपिटल, जो भी कैपिटल, जिस वर्ड के आगे कैपिटल लग जाए वो शेयर कैपिटल में आएगा। कॉल इन एरियर्स, यानी अगर हमने कोई शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं दी है तो वो कॉल इन एरियर्स के अंदर आती है। और फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर यानी कि अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए तो उसके जितना भी उसने अभी तक डिविडेंड पे कराया शेयर के लिए वो सब जब्त कर लिया जाता है, वो होता है शेयर फॉरफीचर। अब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी जिस चीज के आगे रिजर्व लिखा हो या किसी भी चीज में रिजर्व आए वो सब रिजर्व एंड सरप्लस में आती है। और दूसरा कोई भी प्रॉफिट या लॉस, वो चीजें रिजर्व एंड सरप्लस में आती है। थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसके सिर्फ हेडिंग हेडिंग है हमारे सिलेबस में, बाकी नहीं है। अब जो ये सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसकी भी सिर्फ हेडिंग है। थर्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो भी बोरोइंग्स बहुत ज्यादा टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म है, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। दूसरा है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज के भी हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हेडिंग हेडिंग है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कुछ चीजें हैं जो सिर्फ इसमें आती है, यानी कि डिविडेंड पेड, पेड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर प्रिफरेंस शेयर, यानी कि जो भी हमने प्रीमियम पे किया है किस चीज के लिए, रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर और डिबेंचर के लिए, वो इसमें आती है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन की सिर्फ दो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आप हमेशा याद रखें, प्रोविजन फॉर वारंटी, यानी कि प्रोविजन फॉर वारंटी, और दूसरा प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी। ये दो चीजें हैं जो इसमें आती हैं, फिर से बता देता हूं, प्रोविजन फॉर वारंटी और प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी। अब है करंट लाइबिलिटीज, यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कोई भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी कि अगर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ वो इसमें आती है। कैश क्रेडिट है, यानी कि बैंक से हमने कैश का लोन लिया है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आती है। और कोई भी चीजें जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए किसी से लोन लिया है 12 महीने से कम के लिए, वो सब इसमें आती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में सिर्फ दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दो चीजें इसमें आती हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में जो भी हमारी लाइबिलिटीज है हमारे ऊपर जो सिर्फ 12 मंथ के लिए है वो इसमें आएगी, यानी कि हमें कोई रेंट पे करना है या कुछ भी हमारी छोटी मोटी लाइबिलिटीज है वो इसमें आएगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कोई सी भी जिस चीज के आगे प्रोविजन लिखा हो वो इसमें आती है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो 12 मंथ से कम के लिए हो, यानी कि अगर हम यहाँ पे हो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या कुछ और। अब देखिए जब हम ये चीजें याद कर लेंगे उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम दो चीजें कवर करेंगे। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि ये दो कॉलम बनते हैं करंट ईयर के और प्रीवियस ईयर के, यानी कि जो भी बैलेंस होता है वो करंट ईयर का वो करंट ईयर के कॉलम में लिखते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर के कॉलम में लिखते हैं, और जो लाइबिलिटीज का टोटल और एसेट्स का टोटल इक्वल होता है हमेशा हर केस में। लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, ये बैलेंस शीट में हमेशा इक्वल होती है। अगर आपकी इक्वल नहीं आ रही इसका मतलब आपके आंसर में कोई प्रॉब्लम है, वरना हमेशा ऐसा ही होता है। तो जो भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है और क्या क्या चीजें इनमें आती हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज एक बार उसे देख लें जिससे आपके लिए वो इजी हो जाए। और बाकी जो हम एग्जाम्पल और अगली वीडियोस में हम दो चैप्टर पढ़ेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल, लाइक कर दें एंड।